Online traders, a very warm welcome. So I'm Tanish Mangal. Welcome to Post Market Analysis and Trading Opportunities for Tomorrow. So discuss करते हैं market में हुआ क्या. तो बात करें आज की, सारे levels share थे आपके साथ. अब देखो ना कितने बढ़िया तरीके से level respect करते हैं. एक एक level, ऐसा नहीं कि एक भी level छूट जाए. एक एक level कितना बढ़िया respect करता है. तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जो levels देता हूँ मैं, वो चार्ट पे मार्क कर लिया करो. ये लेवल थे कल के ये सारे लेवल्स थे. ओके, मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो एक मूव आ सकता है. ठीक है, ये सपोर्ट लगा हुआ है और एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा हुआ है. ठीक है, ये तो आज की ट्रेंड लाइन है, उसको हटा देता हूँ मैं अभी. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, ये मैंने सारी बातें शेयर करी थी. ओके, एग्जैक्टली ऐसा था. अब देखो हुआ क्या, ये देखो आप लेवल्स देखना आप. मार्केट हुआ गैप अप, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स में नीचे आया, फॉल दिया. फॉल आने के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल से क्यों गया. लेवल का इंपॉर्टेंस समझो. ठीक है, आप किसी भी ट्रेड में आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट कहां बुक करना है, कहां एंट्री लेना है, क्लियर समझ में आ जाएगा. तो अगर आप शॉर्ट करके रखे हो, ठीक है, बेरिश थे शॉर्ट करके रखे हो आप, तो आपको प्रॉफिट बुक कर देना है यहां पे. ठीक है, उसके बाद देखो ये ट्रेंड लाइन थी एग्जैक्टली. देखो ट्रेंड लाइन से घुमा, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि लेवल्स लगे हुए थे, दो लेवल्स लगे हुए थे. एक लेवल था ये वाला, एक लेवल था ट्रेंड लाइन, तो एग्जैक्टली वहां से आया. देखो फिर ये देखो, फिर वापस से इसी लेवल के आसपास होल्ड करता रहा. ठीक है, तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेवल्स आप देखो, भले ही छोटे छोटे लेवल्स दिख रहे होंगे, पर आपको स्कैल्पिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते लेवल. ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है 5 मिनट्स के चार्ट से कर रहे हो आप स्कैल्पिंग. तो जैसे ही लेवल टूटा, ये फर्स्ट फाइव मिनट्स का जो लो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही टूटा शॉर्ट, ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी. आप देख रहे हो ये वाली कैंडल, क्या कैंडल बनी है, एक एक कैंडल की साइकोलॉजी समझो. ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, ऊपर साइड रिजेक्शन, बॉडी बड़ा होता जा रहा है. ये देखो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, तो छोटा सा स्कैल्पिंग यहां पर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस छोटा सा ऊपर लेके और जाने दो. और देखो क्या फॉल आया, इससे स्कैल्पिंग करते हैं. और प्राइस ने एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट लिया और यहां से ऊपर गया. ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सिंपल. बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया. मैं बार बार बोलता हूं प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं. तो देखो हुआ क्या, बैंक निफ्टी में ये लो लगा था कल का, आई थिंक ये लगा हुआ था ये लेवल. सो फर्स्ट 5 मिनट्स में लो तोड़ दिया और उसके बाद देखो आप फॉल. सो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और मैंने बोला था कल भी कि ये जो रेंज टूटेगा तो एक मूव आ सकता है, क्योंकि पूरा कंसोलिडेट कर रहा था ना कल तो बैंक निफ्टी, तो आज ये रेंज टूटा, ब्रेकडाउन दिया और क्या फॉल आया. ठीक है, बात करते हैं अब आगे क्या. सो जैसे कि 9 जून है कल, मार्केट ने ये कैंडल बनाया है. ओके, निफ्टी ने ये वाला कैंडल बनाया है. काफी टाइम से मार्केट नीचे साइड रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, नीचे साइड रिजेक्शन, फिर ग्रीन कैंडल, नीचे साइड रिजेक्शन, रेड कैंडल, नीचे साइड रिजेक्शन. ठीक है, तो सब खरीदते जा रहे हैं, नीचे गिर रहा है, खरीदते जा रहे हैं, बाइंग होती जा रही है, हर डिप्स पे बाइंग होती जा रही है. ठीक है, पर मैं आपको इतना ही बोलूंगा, कॉशियस रहो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मैं यह नहीं बोल रहा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये बहुत जोर का गिरेगा, पर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दो और अब थोड़ा शॉर्ट साइड देखना चालू करेंगे. अभी भी 10th जून में आना एक दिन और बाकी है, तो 9th जून को कल देखते हैं प्राइस एक्शन. पर मैं थोड़ा बेरिश हूं. ठीक है, और अकॉर्डिंगली जैसे ही प्राइस एक्शन मुझे कंफर्मेशन देगा, मैं शॉर्ट जाऊंगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप भी देख सकते हो 10th को अपना मून फेजेस का, वो भी है, तो मार्केट बेरिश लग रहा है. ठीक है, और अगर आप रिसेंट देखोगे तो प्राइस जो है यहां पे, अगर इस लेवल को तोड़ा, प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, तो फॉल आ सकता है. ठीक है, तो प्राइस आज देखो, आज बहुत ज्यादा हाई बनाया इसने 15,780 का, और 15,800 पे ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है. ठीक है, तो 15,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. सो अगर ऊपर जाएगा तो वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा. ठीक है, सो लेवल्स मैं आपको बता देता हूं. लेवल्स कोई नए लेवल्स नहीं है, जो पुराने लेवल्स थे वही आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और सॉरी ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करेगा. ओके, सो लेवल्स, और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटा, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा,
ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, आपको दिख रहा होगा बार बार यहां पे सपोर्ट फेस कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुका, ठीक है। तो चार बार टेस्ट कर लिया, ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुका, और अगर ये टूटेगा तो फॉल आ सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो, फॉल आएगा, गिरेगा, साइडवेज रह जाए या रिट्रेस कर दे ऊपर साइड और फिर फॉल आएगा, ठीक है। तो मैं बाइंग साइड नहीं देख रहा अभी मार्केट्स को, और प्राइस एक्शन देखेंगे, स्कैल्पिंग का मौका मिला तो स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। पर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूं, थोड़ा 6 दिन 7 दिन 8 दिन की बात करूं, तो थोड़ा बेरिशनेस दिख रही है मुझे मार्केट्स में, ओके। बस कंफर्मेशन और चाहिए, कंफर्मेशन मिला तो शॉर्ट करेंगे। चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एकदम वीक है, बहुत वीक है बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे इसका कैंडल्स, अगर इसका कैंडल देखोगे आप देख रहे हो क्या कैंडल्स बना रहा है। पहले यहां पे साइडवेज था, आप देख रहे हो कितना बढ़िया साइडवेज था यहां पे जो था साइडवेज था, और ये आया ब्रेकडाउन। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लग रहा है वो ये सपोर्ट लग रहा है, और 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 35,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। सो अगर 35,000 टूट गया तो एक बहुत फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसके लेवल्स आप देख लो, बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश लग रहा है मुझे। सो ये देखो आप, और 15 मिनट्स में भी ये लोअर हाईज लोअर लोज बनाना चालू कर दिया। ये देखो फर्स्ट कंफर्मेशन बेरिशनेस का, फर्स्ट कंफर्मेशन में बोलता हूँ ट्रेंड रिवर्सल का पहला कंफर्मेशन। बार बार बोलता हूँ मैं, ट्रेंड रिवर्सल का पहला कंफर्मेशन डबल टॉप या डबल बॉटम। यहाँ पे डबल टॉप बनाया, डबल टॉप, उसके बाद देखो आप ये लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो लोअर हाईज लोअर लोज बन रहे हैं, ओके। अब प्राइस ने यहां पे कर दिया कंसोलिडेट, यहां पे कर दिया कंसोलिडेट, तो अगर नीचे जाता है तो एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 34,500 तक कोई लेवल नहीं है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो एक मेजर फॉल आ सकता है, हाँ, एक ये लेवल है छोटा सा 34,720, ये एक हर्डल है बीच में, और नेक्स्ट हर्डल है 34,500, तो यहां तक आ सकता है बैंक निफ्टी। सो अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लेवल सारे मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स में, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन और नजर आ रहा है मुझे, ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं है हम ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये आप लेवल सारे मार्क कर सकते हो चार्ट्स में। तो बात करें स्टॉक की, स्टॉक में हुआ क्या, अपना बीएल की बात करें तो देखो फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर मैं बात करूं, ये देखो एक पैटर्न बना था अपना, ठीक है। अपने बोल रहे थे कि इस पैटर्न के नीचे हम नीचे, इस पैटर्न के ऊपर तो हम ऊपर। फर्स्ट फाइव मिनट्स में बना दिया डोजी और इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। नेक्स्ट कैंडल आप देखो, कैंडल्स की साइकोलॉजी रीड करो, ठीक है। अगर अपने डिसाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग जाना शॉर्ट जाना, कैंडल सब कुछ बोलती है। फर्स्ट 5 मिनट्स में डोजी कंफ्यूजन है, सेकंड कैंडल क्या बोल रही है भाई, ऊपर साइड रिजेक्शन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और थर्ड कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट्स का लो तोड़ दिया, और फिर स्विच कर जाओ 15 मिनट्स के चार्ट पे, और फिर क्योंकि 5 मिनट की 3 कैंडल बन गई, स्विच कर जाओ 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखो फिर क्या हुआ, 15 मिनट्स में क्या कैंडल बनाया, ये क्या कैंडल बनाया, और उसके बाद तो फिर क्या फॉल आया। तो स्कैल्पिंग ऐसा ही होता है, ये नहीं आप टान रहे सौदे को, स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट मिला क्विक प्रॉफिट निकलो, ठीक है। यहां तक टान रहे थे, यहां पे पड़ा रिजेक्शन पड़ रहा है, निकलो सौदे को काटो, ठीक है। ये मत सोचो कि और गिरेगा, ठीक है। जितना मिल रहा है उतना लेके जाओ, लॉस नहीं करना बस, ठीक है। बहुत कम लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, ओके। सो इसने अच्छा मूव दिया बेल ने, देन CDSL ने कोई मूव नहीं दिया, अपने वही पैटर्न के आसपास घूमता रहा। तो कल इसको आप ट्रैक कर सकते हो, कल भी इसमें मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो CDSL आप ट्रैक कर सकते हो कल के लिए। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, टाटा मोटर्स में एग्जैक्टली मेरे यही वर्ड थे कि मुझे बेरिश लग रहा है, ये गैप है, गैप फिल हो सकता है। क्या हुआ, गैप फिल हुआ, उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया। तो आप लेवल समझो, लेवल्स पे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आप देख रहे हो क्या बन रहा है कैंडल्स, आप देख रहे हो कैंडल की साइकोलॉजी समझ रहे हो, ये क्या फॉल आया, गैप फिल हुआ, डोजी बनाया नीचे साइड, और फिर कवरिंग कैंडल। दिस इज द परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, ठीक है। फॉल आया, डोजी बनाया नीचे साइड रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल, और देखो फिर क्या मूव दिया।
सो लेवल्स को समझो आप, उसके बाद इस लेवल के नीचे आया ही नहीं है, इस लेवल के नीचे आया ही नहीं है, ऊपर गया रिट्रेस करा, ऊपर गया रिट्रेस करा, ऊपर गया, और देखो क्या मूव दिया और क्या वॉल्यूम्स आए आखिरी में। तो बहुत सिंपल है पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में, बस समझो कैंडल्स की साइकोलॉजी समझो, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बायर सेलर्स क्या सोच रहे हैं। ये देखो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, मैंने कल क्या बोला था, मैंने कल क्या बोला था, चलो मान लो कल कोई आज कोई यहां पे शॉर्ट चला गया, आज कोई यहां पे शॉर्ट चला गया, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा इसके, इस कैंडल के ऊपर या इसके ऊपर। तो मैंने कल आपको एक बताया था कि मान लो अगर आप ट्रैप हो गए, ट्रैप, तो डबल क्वांटिटी में लॉन्ग चले जाओ, डबल क्वांटिटी में लॉन्ग चले जाओ, देख रहे हो कितना बढ़िया। अगर मान लो यहां पे शॉर्ट कर दिया आपने, लग रहा है कि नीचे जाएगा, गैप टूट के नीचे चला जाएगा, फॉल हो जाएगा एकदम, तो आप देखो ना अगर आप गलत हो गए तो आपको दिख रहा है यहां पे एक गैप लगा हुआ है, गैप फिल हुआ, सपोर्ट लगा हुआ है और डबल क्वांटिटी में लॉन्ग। मैं ये नहीं बोल रहा लॉस नहीं हो सकता, अरे हो सकता है, पर अगर सही हुए तो आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लॉस कितना जरा सा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, पर प्रॉफिट हुआ तो क्या मूव देगा वो, ठीक है। सो ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसा समझना पड़ता है, कहां गलत हो रहा है तो कमती लॉस लेके निकलते हैं, सही हो रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट बना के निकलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो OIL। सो OIL में क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनाया पर मूव दिया नहीं, कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है, बड़ी कैंडल बनाया कंसोलिडेट करता रहा, तो आपको वेट करना चाहिए था रिट्रेसमेंट का, पर नहीं भी करा होगा, आपने शॉर्ट किया होगा तो आप यहां पे निकल गए होगे। इस कैंडल की साइकोलॉजी देखो, नीचे साइड रिजेक्शन पड़ रहे हैं, नीचे साइड रिजेक्शन, ठीक है, और इतना बड़ा मूव आ गया तो जनरली रिट्रेसमेंट करेगा फिर मूव आएगा, पर प्राइस वहीं पे घूमता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कल कौन कौन से स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो। एक कमेंस इंडिया मुझे बढ़िया लेवल्स पे दिख रहा है, ठीक है, जो प्राइस है, जो हाईज है, हाईज वो इक्वल है, और जो लोज है वो शायद हायर लोज होते जा रहे हैं। अब देख रहे हो ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाया। सो अगर ऊपर निकलेगा तो एक जोर का मूव आएगा, और अगर नीचे जाएगा तो एक जोर का मूव आ सकता है, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो कमेंस इंडिया को। देन नेक्स्ट स्टॉक है सनटेक। सनटेक में भी देखो ऊपर जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, 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 यहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक रेंज को टूटना पड़ेगा, तो इसमें भी जोर का मूव एक एक्सपेक्टेड है। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका फिलिप कैप। सो फिलिप कैप को भी आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, ये इसने क्या किया, इसने बड़ा कैंडल बनाया और रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक जोर का मूव इसमें भी एक्सपेक्टेड है, सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका ICICI बैंक। ICICI बैंक एक फेवरेट पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, तो अगर ये मूव देता है, अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक इसमें भी मूव आना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसको भी। तो ये हुए स्टॉक्स कल के लिए, ICICI बैंक, अपना फिलिप कैप, अपना सनटेक एंड कमिंस इंडिया, और CDSL एंड OIL भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये आज मूव नहीं दिए तो पॉसिबिलिटी है इसमें कल मूव आ जाए, ठीक है, तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को सबके साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए प्राइस सेक्शन का। ओके, थैंक यू सो मच।